पृथ्वी पर जब जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, तब तब धरती पर लेते हैं हरि अवतार। द्वापर युग में जब राक्षसों और क्रूर राजाओं का शासन था, तब वहां की प्रजा और ऋषि मुनि उनसे त्रस्त थे। यह देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर, दशरथ अजर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको। वे 12 कला के अवतारी थे। उनके अतिरिक्त पूरे जगत में सारे अवतार अधूरे हैं, अवतरित हो रहा कृष्ण रूप में, जो 16 कला से पूरे हैं। भादो मास की आधी रात में वासुदेव एक नन्हे बालक को सर के ऊपर रखकर यमुना नदी की तेज लहरों को पार करते हैं, जो कि गोकुल वासियों के खुशी का कारण बनता है। और फिर कहलाए माखन चोर,
संग संग ग्वालों की टोली, खात खेले माखन की होली। श्री कृष्ण का जन्म तो लोगों के उद्धार के लिए ही हुआ है, चाहे वह मनुष्य हो जिसके विष से किसी भयभीत है। तभी श्री कृष्ण एक उपाय सुझाते हैं। नदी में मत जाओ कामा, विषैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतनी शक्ति है कि समस्त गोपियों के भक्त स्वतः ही घरों से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ते थे। शरद पूर्णिमा की आधी रात में यमुना के तट पर श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है और कहती है, मैं बांसुरी तू मोर पंख बन जा, मधुर सी उस धुन में मलंग हो जा। शरद पूर्णिमा के निर्मल दृश्य में मैं बन जाऊं मनमोहना, रास लीला के इस पावन बेला में मैं बन जाऊं मनोहरा। परम प्रेम में राधिका,
से जन्म लिया हुआ रक्तपात है, बल्कि ये कथा है कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाती है। जीवन के इस सुखद संवेदनाओं को ही तो कहते हैं मनोरथ। Oh,
भाग बोलो